तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक बुशिंग, कमेंट करके जरूर बता देना। फिलहाल देखो आज की वीडियो में बात करने वाले कि रिकॉल होने के बाद पहले तो इवेंट पे उतरना है, उसके बाद रिकॉल होने के बाद कहाँ जाके सरवाइव करना है जिसकी वजह से आपको भाई इजी चिकन मिल सकता है या इजी टॉप 10 आप इजी सर्वाइव कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे उतरता हूँ इवेंट पे, सबसे पहले यहाँ पे सीन देख लो आप लोग। तो फिलहाल यहाँ पे उतरते ही मेरे को लकीली भाई बहुत बढ़िया लगता कि गन मिल गया था और सामने वाले भाई को गन नहीं मिला, जिसकी वजह से भाई को यहाँ पे इजी फिनिश कर देते। उसके बाद क्या लगता है किल कर पाऊंगा? कभी भी नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, इतना किस्मत अच्छा नहीं होता। उसके बाद वहाँ पे पेटी अपना बनवा लेता है, मतलब पेटी बनवा के मैं गाड़ी लेके सीधा जोन के बाहर, यही सर्वाइव होता है भाई। मतलब अब लोगों को मैं एक ही टिप्स बार बार बोलता हूँ, सब बोलेंगे भाई एक ही टिप्स बार बार बोलते हैं भाई, गेम तो एक ही है, मैप तो एक ही है, जोन तो एक ही बनता है, हर बार अलग नहीं बनता, समझ रहे हो ना। तो इसलिए सर्वाइव भी एक ही टाइम, मतलब एक ही जो मतलब स्टाइल से करो जिससे आपको इजी प्लस मिल सकता है। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो कि मैं जोन के बाहर आके सर्वाइव करता हूँ रिकॉल होने का। पहले रिकॉल पे मेरे को मतलब जो इवेंट होता है ना, इवेंट पे जितना की भी किल वगैरह मिलता है ना मैं ले लेता हूँ, उसके बाद जोन के बाहर आके सर्वाइव करता हूँ। पर इस वाले मैच में कुछ अलग ही सीन होता है, यहाँ पे तो मैं आ जाता हूँ ये वाले कंपाउंड वगैरह जो भी बोलो यहाँ पे सिटी वगैरह पे, पर यहाँ पे बहुत सारे बंदे रहते हैं, हर एक घर पे बंदा कैम्प लगा के बैठे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक बॉट भैया स्पॉट होता है, तो इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं मैं। तो इस बॉट को किल करने के बाद ना मैं यहाँ पे अपना मतलब जो बॉट का पेटी है ना वो लूट ही रहा था, तभी यहाँ पे दूसरा बॉट का साउंड आता है। मैं सोचा बंदा वगैरह हो सकता है, पर यहाँ पे ये भी बॉट निकलता है, तो इस बॉट का भी पेटी आराम से लूट लेते। पर यहाँ पे जो पीछे साइड जितने भी बड़े बड़े कंपाउंड है ना, उधर साइड से मेरे को फुटप्रिंट आने लगता है कि भाई यहाँ पे बंदा ऑलरेडी कैम करके बैठा है। लकीली मेरे को भाई फिनिश नहीं किया, नहीं तो यहाँ पे अपना माइनस लग जाता, मतलब लगता नहीं, पर वो जो दूसरा रिकॉल है ना वो थोड़ा सा रिक्सी रहता है, इसलिए मैं वो वाला रिकॉल यूज़ करना मतलब प्रेफर नहीं करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो साउंड वगैरह आ रहा था, तो मैं सोचता हूँ भाई पहली फुर्सत यहाँ से कट लेते हैं, नहीं तो भाई अपना पेटी मतलब पक्का है। मैं आर्ली फाइट जो बोलते हैं ना भाई, रिकॉल होने के बाद जो आर्ली फाइट होता है वो हमेशा इग्नोर करता हूँ, जितना इग्नोर करोगे ना उतना ही आपको आपके लिए सही है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे और एक बॉट यहाँ पे स्पॉट हो जाता है मेरे को, तो फिलहाल इस बॉट को भी आराम से फिनिश कर देता है आराम से। देख सकते हो इवेंट पे मैंने एक किल निकाला था, यहाँ पे बॉट मिल का आया तो मेरे को चार किल हो गया था भाई, मेरा टारगेट खत्म। अब सीधा चलते हैं जोन के बाहर, क्योंकि इधर रुकना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, और यहाँ पे गाड़ी मेरा जो बग्गी था ना वो भी लेना मुश्किल था मेरे लिए, समझ रहे ना। ओपन में था और जाऊँगा तो भाई पेटी तो बन ही सकता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैं घूमने के बाद ना यहाँ पर आ जाता हूँ। जोन देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा भी हो चुका है, मतलब उतना दूर से मैं यहाँ पर मतलब पैदल आ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना टाइम लग गया। तो जोन यहाँ पे मेरे को मतलब देख सकते हो कितना ज़्यादा छोटा हो गया था, तो मेरे को भी निकलना था जोन के अंदर। तो यहाँ पे जोन के अंदर जाके कैसे मैं पोजीशन निकालता हूँ, कैसे सर्वाइव करता हूँ, वो चीज़ भी आप लोग ज़रूर देखना। और इस मैच में मैं ये हुआ है चिकन डिनर, समझ रहे हो ना, मतलब चिकन डिनर बैक टू बैक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसकी वजह से भाई वीडियो को भाई लाइक कर दो। और आज के वीडियो में भी एक कॉमेंट रहेगा कि मैं देखता हूँ भाई कल वाले, मतलब मैंने देखा है कल वाले वीडियो में ना बहुत सारे भाई लोग जो मैंने टारगेट दिया था जो कॉमेंट करने को बोला था ना कर लिया था, तो मैं पक्का बोल सकता हूँ। ऐसे आप लोग पूरा वीडियो देखोगे ना, थोड़ा सा वीडियो देखना भी नहीं है समझना भी है, जितना समझोगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हर एक सीजन कॉन्कर करना। सिर्फ एक सीजन नहीं बोलूँगा, हर एक सीजन जिस टाइप से मैं आ रहा हूँ, जिस टाइप से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो उस टाइप से आप भी खेलो, देखना आराम से चिकन डिनर आपको मिल जाएगा, आराम से कॉन्कर भी कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये वाला कंपाउंड लकीली खाली मिल जाता है, जोन के अंदर ही था मतलब अंदर भी था, तो यहाँ पे आके मैं होल्ड मतलब जो है ना कैम्प लगा लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, जो भी बोलो भाई, बहुत से भाई लोग बोलते हैं भाई इसको कैम्प मत बोलो होल्ड बोलो, तो अपने लिए होल्ड है, सामने वाले के लिए कैम्प है, समझ रहे हो ना, ऐसा सीन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करने के बाद ना सामने एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है, मतलब गाड़ी लेके सीधा आ जाता है डासिया लेके। अब इस बंदे के साथ कैसे फाइट होता है बस अब लोग वो सीन देखो। तो फिलहाल इस भाई को बहुत ही इजीली यहाँ पे फिनिश कर देते, भाई शायद पहले से डैमेज वगैरह खा के आया था, जिसकी वजह से भाई को आराम से फिनिश करते। उसके बाद यहाँ पे भाई का पेटी लूट के ना मैं यहाँ पे घर से निकल ही रहा था, तभी यहाँ पे दूर साइड में देखते हो एक डासिया स्पॉट हो जाता है मेरे को।
ये कुब वाले बंदे को ना कितना खतरनाक लेवल का डैमेज दिया था देख ही सकते हो। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे आगे आता हूँ, आगे आगे मैं सोचता हूँ भाई नेड करने जाएंगे, और तभी मेरे को पीछे साइड से पड़ता है एकदम गंदा वाला डैमेज। पीछे वाले बंदे ना भाई जो घर पे मैं पहले होल्ड कर रहा था उधर बंदे आ जाते हैं, मेरे को भाई ग्लेशियर से पिछवाड़ा लाल कर देता है। पर यहाँ पे देखो मैं डैमेज हो गया था, सामने वाले पे नेड भी करता हूँ, इधर जोन भी आ गया था, तो सोच वाले जोन के अंदर एंट्री लेते हैं और आराम से अपना हीलिंग वगैरह कंप्लीट करके ना सामने वाले बंदे से फाइट लेंगे। देख सकते हो कैसे मैं होल्ड करके फाइट ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पीछे साइड मतलब पीछे बोलो सॉरी नीचे साइड भी एक बंदा है, यहाँ पे पत्थर पे भी एक बंदा था जिसको किसी और बंदे ने मतलब फिनिश कर दिया। तो सामने बस दो ही बंदे अलग है जिसका एक बंदे का लोकेशन पता है, दूसरे बंदे का लोकेशन भी अभी पता चलने वाला है। बस सीन देखो यहाँ पे तो फिलहाल यहाँ पे सीन देख सकते हो, मैं भाई लेट के जाने की कोशिश कर रहा था और बंदे ने मेरे को स्पॉट करके स्प्रे लिया, पर लकीली एक भी गोली कनेक्ट नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ शैडो यूज़ करके जाते हैं। तो यहाँ पे सीन देखो और यहाँ पे YouTube चिराग भाई को फिनिश कर देते हैं। अब लोग एक बार कमेंट करके बताना ये वाला रियल था या फेक था, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सामने वाला बंदा भी सामने पेड़ पे आ जाता है, मेरे पास नेट वगैरह थोड़ा कम था तो मैं सोचता हूँ आराम से नेट उठाते और गाड़ी लेके सामने वाले पत्थर पे चले जाते और बंदे पे करेंगे एकदम धमाधुम नेट, तो देखते क्या सीन होता है। तो देखो यहाँ पे नेट का बारिश होने वाला है अभी, तो यहाँ पे सीन देखो और आप लोग यहाँ पे काउंट करना कि मैं कितना नेट किया हूँ। यहाँ पे सामने वाले बंदे पे काफ़ी ज़्यादा नेड करता हूँ, वो भी बंदा मेरे पे दो तीन नेड करता है, पर कोई भी नेड से कोई भी बंदा फिनिश नहीं होता। अब देखो जोन भी आ गया था, मेरे को निकलना था जोन के अंदर, सामने वाला पेड़ जो था ना वो जोन के अंदर था, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा सबसे पहले स्मोक वगैरह कर लिया जाए, नहीं तो बंदे का व्यू थोड़ा ब्लॉक होगा तो मैं आराम से जो है ना मैं जा सकता हूँ। पर मेरे पास शैडो ब्लेड था, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तो शैडो ब्लेड मतलब जो है ना ब्लेड यूज़ करके मैं निकलता हूँ सामने वाले पेड़ पर। अब सीन देखो यहाँ पे सामने वाले भाई के पास था शॉर्ट गन, फिर भी भाई को M4 से इजी यहाँ पे फिनिश कर देते। तो ये वाला जो है ना चिकन डिनर कैसा लगा, 7 किल के साथ बिल्कुल सर्वाइव करके खेला है। तो भाई मैं इस टाइप से खेलता हूँ और इस टाइप से हर एक सीजन भाई का मतलब काफ़ी ज़्यादा आईडी का कॉन्करर लगाता हूँ। बस अब लोग ये टिप्स यूज़ करके देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आज के वीडियो में कमेंट करना है कि मोए मोए समझ रहे हो ना, पूरा स्पैम जो है ना हो जाना चाहिए, तो ही मैं पता मतलब मेरे को पता चलेगा कि अब लोगों ने वीडियो एंड तक ज़रूर देखा है। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो यही तक था, और कितना रैंक वगैरह चला गया इस आईडी का आप लोग वो भी चेक कर लेना, और शायद 2 से 3 दिन लगेगा इस आईडी का कॉन्करर होने में। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आए ना तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।